मालिक की कब्र पर ही बैठा रहता है कुत्ता, आंखों में आंसू लिए आज भी करता है लौटने का इंतजार। आइए देखते हैं इस दर्द भरे मंजर को। लेकिन इससे पहले इस वफादार कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता ही है। एक डॉगी ने यह साबित कर दिया कि जो वफादारी उनकी प्रजाति में है वो शायद ही किसी और जानवर में देखने को मिले। सैन जुआन की राजधानी प्यूर्टो रिकॉन में एक कुत्ते ने स्वामी भक्ति की जो मिसाल पेश की है उसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जख्मी हालत में पड़ा एक कुत्ता 2 दिन से उसी जगह पर अपने मालिक का इंतजार कर रहा है जहां आखिरी बार वो उनके साथ था। उसने उसी बेंच के पास अपना नया ठिकाना बना लिया जिस बेंच पर उसके मालिक ने दम तोड़ा था। वो बेंच जिस पर उसके मालिक की मौत हुई थी वहीं कुत्ते के लिए उसकी कब्र बन गई है। एक कुत्ते की ईमानदारी और वफादारी ने सबकी आंखें नम कर दी हैं। जो भी उसे बेंच के पास बैठा देखता है वो उसके प्रति दया से भर जाता है। बेचारा डॉगी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस प्यारे मालिक के इंतजार में वो यहाँ बैठा हुआ है वो अब कभी नहीं आएंगे। वो तो दुनिया में रहे ही नहीं तो कहां से आएंगे। दरअसल 60 साल के व्यक्ति ने डॉगी को गोद लिया था। वो उसकी देखभाल करते थे और खाना खिलाते थे। हालांकि वो खुद बेघर थे फिर भी डॉगी लियो का वो पूरा ख्याल रखते थे। इसी प्यार और देखभाल के बंधन में लियो ऐसा बंध गया कि मानो अब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके मालिक अब नहीं रहे। उसका इंतजार बेकार ही जाएगा। प्यूर्टो रिकॉन में रियो पिएड्रोस मेडिकल सेंटर के बाहर ही वो बेंच है जहां उसने अपने मालिक को आखिर में लेटे हुए देखा था। अस्पताल के बाहर एक कुत्ते को इस कदर इंतजार में बैठे जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया। अस्पताल के एक डॉक्टर जोश एंटोनियो हेरेरा डालमुआ ने उसे दुलार दिया और उसके इलाज के लिए एक वेटरन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया। दरअसल इसका एक पैर जख्मी था। अब वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं मगर वो उस बेंच को छोड़कर नहीं हटा। वो अपने मालिक की जगह छोड़कर किसी नए मालिक के साथ जाने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी डॉक्टर ने नए मालिक के तौर पर उसकी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन लियो तो बस अपने पुराने मालिक की याद में वहीं बैठा है जहां उसका मालिक अब कभी नहीं लौटेगा। एक कुत्ते की अपने मालिक के प्रति ऐसी भक्ति बेमिसाल है। इस कुत्ते के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।